हेलो एवरीवन, मैं विक्रम विक्का अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज अपन लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव में अगर हम बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र की, तो यहाँ पे मैंने एक सरल सा आरेख बनाया है जिसके अंदर आप आसानी से रक्त परिसंचरण तंत्र को समझ सकते हो। ये जो आरेख है इसमें देखिए, यहाँ पे ये जो बीच में मैंने एक बॉक्स बनाया है, ये क्या है? अपना हृदय, और यहाँ पे फेफड़े, और यहाँ पे मैंने शरीर के अन्य अंगों को दर्शाया है। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हृदय से। हृदय जो अपना है वो चार कोष्ठीय होता है, मानव हृदय, जिसमें दो ऊपर आलिंग और दो नीचे नीले होते हैं। ये दो अपने आलिंग और नीले हैं, जो इनके जो अपना अलग अलग जो दया आलिंग और बाया आलिंग व दया नीले और बाया नीले हैं, इनमें दोनों में अलग अलग प्रकार का रक्त होता है। एक में अनोक्षीकृत रक्त होता है तथा दूसरे में ऑक्सीकृत रक्त होता है। तो ये जो ऑक्सीकृत और अनोक्षीकृत रक्त है वो आपस में मिले नहीं, इसके लिए हृदय के इन कक्षों के बीच में होती है यहाँ पे विभाजन पट्टिका, एक दीवार पाई जाती है। अब देखिए बात करें अपन, तो ये दो आलिंद जब रक्त से भर जाते हैं तो दोनों आलिंद एक साथ सिकुड़ते हैं और रक्त चला आता है दोनों नीलों में, और नीलों में आने के बाद यहाँ पे ये दो कपाट है ये क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, और उसके बाद में दोनों नीले एक साथ सिकुड़ते हैं और रक्त चला जाता है नीलों से धमनियों के अंदर। इस प्रकार से अपने शरीर में ये जो हृदय है इसके अंदर दो पंप कार्य कर रहे हैं, ये दो पंप एक साथ कार्य करते हैं, तो इसको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो चलिए इसके अंदर अपन बात करते हैं, यहां से रक्त जब इन धमनियों में जाता है तो उसको समझते हैं। ये तो अपना बाया नीले है और दया नीले है, ये जब सिकुड़ेंगे तो रक्त कहां चला जाएगा? धमनियों में। लेकिन यहाँ पे ये जो बाया आलिंद है इसके अंदर जो रक्त है वो अपना ऑक्सीकृत रक्त है, और इस दाया आलिंद के अंदर जो रक्त है वो क्या है? अनऑक्सीकृत, जो अपने शरीर की कोशिकाओं में जो ग्लूकोज का विखंडन होता है वहां पे CO2 बनती है, वो रक्त के साथ मिलके कहां आ जाती है? इस दाएं आलिंद के अंदर आ जाती है। तो इसमें कौन सा रक्त है? CO2 वाला, यानी अनऑक्सीकृत रक्त है। यहां से जब ये नीले सिकुड़ेगा तो वो रक्त जाएगा किसके अंदर? फेफड़ों के अंदर, अनऑक्सीकृत रक्त जाएगा, और फेफड़ों में कुपिकाओं से क्या होता है? CO2 निकलती है, और ऑक्सीजन जो कुपिकाओं के अंदर है वो कहां जाती है? इस रक्त के साथ मिल जाती है। हीमोग्लोबिन है वो रक्त में ऑक्सीजन को मिलाने का काम करता है। तो वहां से जब ऑक्सीजन रक्त के अंदर मिल जाती है तो वो रक्त हो जाता है ऑक्सीजनित, और वो ऑक्सीजनित रक्त इस फेफड़े से, इस फेफड़ों वाली शिराओं से होता हुआ कहां आ जाता है? बाएं आलिंद के अंदर आ जाता है। बाएं आलिंद के अंदर जब वो रक्त आता है ऑक्सीजनित, तो वो नीचे इस बाएं नीले में जाता है, और इस बाएं नीले के सिकुड़ने से वो चला जाता है महाधमनी में। महाधमनी है ये आगे और अधिक धमनियों में विभाजित हो जाती है, और ये आगे छोटी छोटी केशिकाओं में भी विभाजित हो जाती है, जो शरीर के हर एक अंग तक, अपने हर एक कोशिका तक रक्त को पहुंचाने का काम करती है। यहां से जब ये महाधमनी से रक्त शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचता है, वहां पे होता है ग्लूकोज का विखंडन, और ग्लूकोज के विखंडन में ऊर्जा निकलती है और CO2 बनती है और जल बनता है। तो यहाँ पे जो ये CO2 बनती है ये अपने शरीर के अंदर अपशिष्ट दो रूप में CO2 बनती है, ये रक्त के साथ मिलती है, और ये यहाँ से महाशिरा से होती हुई अनोक्षीकृत रक्त है वो कहाँ आ जाता है? दाएं आलिंद में आ जाता है, और यहाँ से दाएं आलिंद से दाएं नीले में, और यहाँ से वापस कहाँ चला जाता है? फेफड़ों के अंदर। तो इस प्रकार से अपने शरीर के अंदर यह रक्त का प्रवाह होता रहता है, और अपना हृदय निरंतर 2400 घंटे ये काम करता रहता है। हृदय जो है इसकी जो पेशियां, हृदय की जो दीवारें हैं वो बनी होती है पेशी कोशिकाओं की, और ये हृदय निरंतर फैलता और सिकुड़ता रहता है, यानी ये जब फैलता और सिकुड़ता है जिसके कारण रक्त है वो आगे चला जाता है, पंप होता रहता है। तो हृदय का इस प्रकार से निरंतर सिकुड़ना या फैलना क्या कहलाता है? हृदय स्पंदन या हृदय धड़कन कहलाता है।